तो आज हम लोग का चैप्टर है एनिमल्स विदाउट बैकबोन. इसका टॉपिक मायरियापॉड्स आज हम पढ़ेंगे. व्हाट आर मायरियापॉड्स, मायरियापॉड्स होते क्या हैं. कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं डिस्कस करूंगी मैं इसकी यहाँ पे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मायरियापॉड्स होते क्या हैं एक्चुअली. दीज आर लैंड एनिमल्स आर फाउंड अंडर रॉक्स इन द सॉइल. क्या होते हैं ये, लैंड एनिमल्स होते हैं मतलब ज़मीन पर रहने वाले जानवर. ज़मीन पर रहते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, अंडर रॉक्स एंड इन द सॉइल, या तो पत्थरों वगैरह के नीचे होंगे या सॉइल के अंदर. मतलब ये ज़मीन पर रहने वाले हैं और ये पत्थर वगैरह के नीचे या सॉइल के अंदर रहते हैं. दे हैव लॉन्ग सेगमेंटेड बॉडी. इनकी बॉडी बहुत लंबी होती है और सेगमेंटेड होती है, मतलब के सेगमेंट्स में डिवाइड हुई भी होती है. छोटे छोटे हिस्से होते हैं, पार्ट्स बने हुए होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर. ईच सेगमेंट बेयरिंग टू लेग्स, और हर एक सेगमेंट के साथ इसकी दो टांगें जुड़ी हुई होती हैं. द एक्सोस्केलेटन इज हार्ड, मतलब इसकी जो आउटर बॉडी होती है, एक्सो मीन्स होता है बाहर, इसकी जो बाहर का जो इसका स्केलेटन होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, काफ़ी हार्ड बना हुआ होता है. दे कैन नॉट ब्रीथ थ्रू देयर स्किन और नॉट थ्रू गिल्स. ये अपनी स्किन के जरिए सांस नहीं ले सकते और ना ही इनके पास गिल्स होते हैं, जैसे कि फिश में गिल्स होते हैं, वो गिल्स से सांस लेती हैं. इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, ना ही अपनी स्किन से सांस ले सकते हैं, ना ही इनके पास गिल्स मौजूद हैं. तो ये किस तरह सांस लेते हैं, दे ब्रीथ थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फाउंड इनसाइड द बॉडी. इनकी बॉडी के अंदर, इनकी सेगमेंटेड बॉडी के अंदर कुछ ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू ये सांस लेते हैं, और उन ट्यूब्स को क्या कहते हैं हम, ट्रैकिया. दे हैव पेयर्स ऑफ फीलर्स ऑन देयर हेड. इनके सर के ऊपर दो पेयर्स, एक पेयर होता है जिसको फीलर्स कहते हैं, जिस तरह आप कॉकरोच वगैरह में देखते हैं ना, उसके दो एंटीना होते हैं, जस्ट लाइक उस, बिल्कुल उसी की तरह इनके सर के ऊपर भी दो एंटीना जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आसपास के ख़तरे वगैरह को भी महसूस कर सकते हैं. इस वजह से इनको फीलर्स कहा गया है, वो महसूस कर सकते हैं उनके थ्रू. अच्छा, सम एग्जाम्पल्स, इसकी दो एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ, सेंटीपाइड्स और मिलीपीड्स. इसको आप नेट पर सर्च करके इनकी पिक्चर्स देखिएगा, ताकि आप लोगों को और क्लियरली पता चल जाए कि ये असल में दिखने में कैसे होते हैं. मैं यहाँ पे पिक्चर नहीं लगा रही हूँ, आपको खुद ये सर्च करके गूगल पे देखना पड़ेगा.